गुड इवनिंग दोस्तों, इन्फ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इन्फ्रा अपडेट्स। दोस्तों, आज के इन्फ्रा अपडेट्स शुरू करते हैं उत्तराखंड से, जहां यूनियन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्स 5000 करोड़ रुपीज की मदद से कंस्ट्रक्ट किए गए 250 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इन हाईवेज की बात करें तो निशंक जी ने टोटल अप्रॉक्स 5000 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किए गए 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, जिसमें से पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे 58 के मुजफ्फरनगर हरिद्वार सेक्शन का इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी मदद से हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के ट्रेवल टाइम को अप्रॉक्स 90 मिनट तक कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरे और तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो निशंक जी ने नेशनल हाईवे 72A के गणेशपुर छुटमलपुर सेक्शन और नेशनल हाईवे 73 के गागलेडी छुटमलपुर रुड़की सेक्शन के फोर लेनिंग वर्क का भी इनॉग्रेशन किया, जिसकी मदद से रुड़की और देहरादून के कम्यूटर्स के ट्रेवल टाइम को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ निशंक जी ने अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपीज की मदद से अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट की गई 80 किलोमीटर रोड का इनॉग्रेशन किया, जिसकी मदद से एग्जिस्टिंग रोड में मौजूद ब्लैक स्पॉट्स को रेक्टिफाई किया गया है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट की मदद से कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ रोड उत्तराखंड के टूरिज्म को बूस्ट करेंगे और रोड ट्रेवल को सेफ बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हिमाचल के चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने अप्रॉक्स 250 करोड़ रुपीज में बनने वाले शिवधाम प्रोजेक्ट और मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का शिलान्यास किया। दोस्तों, शिवधाम प्रोजेक्ट की बात करें तो हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्स 150 करोड़ रुपीज की मदद से शिवधाम को 9.5 हेक्टेयर लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और दोस्तों, शिवधाम में ज्योतिर्लिंग के रेप्लिका के साथ साथ शिवजी और गणेश जी की स्टेच्यू, फूड कोर्ट, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एम्फी थिएटर, ओरिएंटेशन सेंटर और कार पार्किंग के साथ साथ मॉडर्न एमिनिटीज और हेलीपैड को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ जयराम जी ने मंडी के यू ब्लॉक के पास अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपीज की मदद से कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का भी शिलान्यास किया। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की मदद से हिमाचल के टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट की मदद से यहां के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दोस्तों, अगली खबर आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से, जिन्होंने पानीपत में मौजूद रिफाइनरी को अप्रॉक्स 32,946 करोड़ रुपीस की मदद से एक्सपेंड करने का प्लान किया है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 32,946 करोड़ रुपीस की मदद से पानीपत रिफाइनरी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ाकर 25 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम किया जाना है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट और कैटेलिटिक डीवैक्सिंग यूनिट को भी इंस्टॉल किया जाना है, जिसकी मदद से इंडिया के ग्रोइंग पेट्रोकेमिकल डिमांड को फुलफिल करने और पेट्रोकेमिकल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2024 तक कंप्लीट करने की डेडलाइन रखी गई है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है मेघालय से, जहां कल मेघालय के चीफ मिनिस्टर श्री सी संगमा जी ने मेघालय के रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए रोंगग्राम फुलवाड़ी हिल रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। दोस्तों, इस रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे 51 पर मौजूद रोंगग्राम से फुलवाड़ी टाउन तक जाने वाली 60 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन रोड को अप्रॉक्स 139 करोड़ रुपीज की मदद से अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी मदद से वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट के तुरा और फुलवाड़ी टाउन के कम्यूटर्स की जर्नी को कन्वीनियंट और सेफ बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आसपास के अप्रॉक्स 40 गांव के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर 60 किलोमीटर लंबी रोड के अर्थवर्क, मेटलिंग और ब्लैक टॉप के साथ साथ इस रोड के अलोंग क्रॉस ड्रेन्स और प्रोटेक्शन वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। साथ ही साथ इस रोड पर ट्रैफिक सिग्नल्स और क्रैश बैरियर्स को भी इंस्टॉल किया जाना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट के रोड नेटवर्क को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट के अनाज उत्पादन करने वाले गांव में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और किसानों और सिटीजंस के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली खबर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने पुणे में अप्रॉक्स 170 करोड़ रुपीज में बनने वाले न्यू कतरज फ्लाईओवर के टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 1.326 किलोमीटर लंबे और 24.20 मीटर चौड़े फ्लाईओवर को अप्रॉक्स 170 करोड़ रुपीज की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाना है। साथ ही साथ जू के पास होने के कारण नॉइस पॉल्यूशन से एनिमल्स को बचाने के लिए फ्लाईओवर के दोनों साइड 1.1 मीटर से 2.5 मीटर हाइट के क्रैश बैरियर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ
ग्राउंड बैरियर्स को भी इंस्टॉल किया जाना है। दोस्तों, इस फ्लाईओवर की मदद से कतरत चौक एरिया और रजत सोसाइटी एरिया के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए 24 मंथ्स की डेडलाइन रखी गई है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है पंजाब के जलंधर से, जहां अप्रॉक्स 30 करोड़ रुपीस में वाइडन किए जाने वाले पीएपी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केआरसी कंस्ट्रक्शन को टेंडर अलॉट कर दिया है और जल्दी इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि 2019 में पीएपी फ्लाईओवर को इनॉग्रेट किया गया था, जिसे इनॉग्रेशन के एक दो दिन बाद ही फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स और टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 30 करोड़ रुपीस की मदद से पीएपी फ्लाईओवर को 3 लेन में अपग्रेड किया जाना है। दोस्तों, इस फ्लाईओवर की मदद से अमृतसर, पठानकोट और लुधियाना के कम्यूटर्स को राम मंदिर के पास घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से इस एरिया में होने वाले फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स को भी कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली खबर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने सोलापुर विजयपुर के बीच बन रही नेशनल हाईवे 52 के 25.54 किलोमीटर लंबी रोड को 18 घंटे में कंस्ट्रक्ट करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसकी जानकारी यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ट्विटर के माध्यम से साझा की। दोस्तों, इसके साथ साथ गडकरी जी ने बताया कि सोलापुर से विजयपुर के बीच बन रहे हाईवे को अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और अभी इस हाईवे के 110 किलोमीटर लंबे सेक्शन का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां कल यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने अप्रॉक्स 12,300 करोड़ रुपीस में बनने वाले 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 6 लेन वाले इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को अगस्त 2021 में शुरू कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को 2023 तक कम्प्लीट किया जाना है। दोस्तों, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार के लिए 6 लेन रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसकी मदद से दिल्ली और हरिद्वार के बीच के ट्रेवल टाइम को अप्रॉक्स 4 घंटे कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जैसी बाकी डिटेल्स मिलेंगे, मैं आपके साथ आने वाले अपडेट्स में शेयर करता रहूंगा।